राजनीति के कोर्ट में कूदने वाली साइना की ओलंपिक राह हो रही मुश्किल, समय रहते करनी होगी वापसी। बैडमिंटन के कोर्ट से सियासत के मैदान में कदम रखने वाली साइना नेहवाल भाजपा के जरिए राजनीति की नई पारी जरूर शुरू कर रही हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक की रेस में वे लगातार पिछड़ती जा रही हैं। साइना को अपने चौथे ओलंपिक में खेलने का सपना पूरा करना है तो उन्हें एक बार फिर कोर्ट पर अपने पुराने रंग में लौटना होगा। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की रैंकिंग के अनुसार ओलंपिक की रेस में साइना अभी 22वें स्थान पर है, जबकि 16वीं रैंकिंग के शटलरों को ही सीधे प्रवेश मिलेगा। BWF ने मई 2019 से मई 2020 तक ओलंपिक टिकट के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है। हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग में साइना 18वें स्थान पर है, लेकिन बीते एक साल में चोटों से जूझने के कारण बदतर प्रदर्शन के चलते ओलंपिक रैंकिंग में वे 22वें स्थान पर है। वहीं PV सिंधु रैंकिंग में 6ठे स्थान पर हैं और उनका ओलंपिक टिकट तय माना जा रहा है। यह काम उन्होंने पिछले एक साल से नहीं किया है। पिछले एक साल से अब तक साइना 9 टूर्नामेंटों में पहले दौर में बाहर हो चुकी हैं। फिलहाल वह स्पेन में खेलने जा रही हैं और उन्होंने जर्मनी और रॉयल इंग्लैंड के लिए भी एंट्री दे रखी है।